ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। केंद्र सरकार लगी हुई है राज्य सरकार की जड़ें खोदने में। बल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा सीएम वीरभद्र सिंह ने। तेंदुए की दहशत के साए में जी रहे सोलन के 3 गांव के लोग 5 पालतू कुत्तों को बना चुका अपना शिकार। वन विभाग से तेंदुओं को पकड़ने की लगाई गुहार। मंडी में 25 फरवरी को होगा कैंसर जागरूकता एवं परामर्श कैंप का आयोजन। क्षेत्रीय अस्पताल में करवाएं पंजीकरण। और बाबा भूतनाथ मंदिर में शिव के विशेष श्रृंगार का क्रम जारी। रविवार को माता भीमा काली के रूप में किया गया शिव का श्रृंगार। स्मार्ट क्लासेस कैनवस कोचिंग संस्थान हमीरपुर हिमाचल का पहला ऐसा संस्थान है जहां पर बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलेगी। यहां पर विदेश में पढ़ाई कर चुके अध्यापक और अनुभवी अध्यापकों द्वारा पढ़ाई करवाई जा रही है। जहां फैकल्टी की बात करें तो यहां पर मुफ्त में काउंसलिंग की सुविधा भी मौजूद है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चों को बेहतर कोचिंग की सुविधा मिल सके ताकि बच्चे अपना करियर बना सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए स्मार्ट क्लासेस कैनवस कोचिंग संस्थान हमीरपुर में बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के साथ हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रदान की जा रही है। अधिक जानकारी देते हुए पूर्व प्राचार्य कॉलेज व संस्थान के अध्यक्ष पीसी पटियाल ने बताया कि स्मार्ट कोचिंग क्लासेस कैनवस संस्थान में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वे देश या विदेश में कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान में विदेश में पढ़ाई करवा चुकी अनुभवी टीम है जो बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर रही है। आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू टीच गाइड एंड ग्रूम द स्टूडेंट्स विद द मॉडर्न टीचिंग एड्स and curriculum, canvas curriculum designs and techniques. I want to assure all the parents that our core team is dedicated, sincere and talented to guide and groom your wards as per your expectations. अंत में मैं सभी एक बार फिर पुनः सभी parents को assure करना चाहता हूँ कि हमारी जो टीम कोर टीम है वो इतने कॉम्पिटेंट हैं और लेटेस्ट हमारे पास जो इतने टेक्निक्स और जो हमारा कंटेंट कोर्स कंटेंट्स है इतना अच्छा है कि हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ पढ़े जो बच्चे पढ़ने आए उनको एडिशनल कहीं किसी चीज की जरूरत ना पड़े और वो अपनी सिलेक्शंस डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस लाइक IITs नीट और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में कर पाए। वहीं इंजीनियर देवशीष ने बताया कि वे यहां पर पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को मुफ्त काउंसलिंग भी करवाते हैं जिसमें बच्चों को कोई समस्या हो तो उसके समाधान के बारे में बताया जाता है। इंजीनियर पारस ठाकुर ने बताया कि वह कैनवस क्लासेस की रीढ़ की हड्डी है जिनके यूट्यूब पर 7,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं जो विदेश में भी बच्चों को 7 साल से ज्यादा शिक्षा दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि आज हम विदेश की शिक्षा हिमाचल के हमीरपुर में प्रदेश के बच्चों को देने जा रहे हैं। मेरा रोल कैनवस क्लासेस में जो है वो ई लर्निंग एंड इनोवेटिव टेक्निक्स को कैसे हम यूटिलाइज करें ताकि जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे इजी किया जाए स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। और मेरा इन सब चीजों में एक्सपीरियंस है मोर देन 10 ईयर्स, दैट इज ग्लोबल एक्सपीरियंस। USA, UK एंड हांगकांग में मैंने लास्ट के 10 ईयर्स में सारी इनोवेटिव टेक्निक्स और कैसे ट्रेनिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव किया जाता है उसके ऊपर काम किया है। एंड सेम मोटिव के साथ हम लोगों ने हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में कैनवस क्लासेस को लॉन्च किया है। कैनवस क्लासेस का फर्स्ट एड्रेस है नियर DAV पब्लिक स्कूल सलासी हमीरपुर एंड सेकेंड एड्रेस है आर्कुलो स्कूल कैंपस नियर बस स्टैंड हमीरपुर। इन दो कैंपसेस में हम लोग दिन रात 24/7 आप लोगों के लिए काम करेंगे एंड रेस्ट अश्योर दैट जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे हम उनके लिए ऐसा करिकुलम और ऐसा कंटेंट प्रिपेयर करेंगे कि दे विल बी चैंपियंस।
they will not only be toppers in physics, chemistry, biology, maths. वो लोग सिर्फ इन चार सब्जेक्ट में नहीं जबकि एक ओवरऑल चैंपियन बनेंगे. पॉज. ठीक है, कोई ओके. हमारी पूरी कैनवस क्लासेस टीम का एक ही मोटो है, आपको किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है या कोटा जाने की जरूरत नहीं है. टीचर्स यहाँ पे हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पे हैं, जस्ट पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप टाइम दीजिए, एक बार जाके youtube.com/canvasclasses चैनल देखिए. अगर इंटरनेट पे नहीं देख सकते हैं तो इंस्टीट्यूट आइए, जो कि मैंने एड्रेस जस्ट आपको पहले एक्सप्लेन किए हैं. एंड वी आर द डिफरेंस एंड वी विल बी द डिफरेंस. थैंक यू वेरी मच. तो मेरा रोल कैनवस क्लासेस में एक केमिस्ट्री एक्सपर्ट और डिजिटल लर्निंग कंटेंट डेवलपर का है, और मुझे 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और वो भी इंडिया के टॉप 3 कोचिंग ब्रांड्स में, दैट इज एलन, रेजोनेंस और नारायणा हैदराबाद, जिनके रिजल्ट्स और जिनकी क्वालिटी के बारे में आप सब जानते हैं, आपको कोई भी इसमें बताने की जरूरत नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बॉय स्कूल हमीरपुर से 12th, देन बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT हमीरपुर और PGD मरीन फ्रॉम बॉम्बे. तो इन सब क्वालिफिकेशंस और एक एक्सपोजर के साथ, जहां मैंने 6 states में केमिस्ट्री अब तक पढ़ा चुका हूं, और सैकड़ों बच्चे मेरे IIT क्रैक कर चुके हैं, NIT क्रैक कर चुके हैं, और एक रिसेंट प्राउड सिलेक्शन मेरी स्टूडेंट की MIT बॉस्टन, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 इंस्टीट्यूट माना जाता है, उसमें भी है. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरी एक्सपर्टीज ये है कि मैं केमिस्ट्री जो एक बोरिंग सब्जेक्ट है उसमें बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करके उसको इतना परफेक्ट कर देता हूं कि बच्चे को कभी भी ये नहीं लगता कि केमिस्ट्री एक रटने वाला सब्जेक्ट है और इसमें उसको किसी भी तरीके का बोरियत महसूस हो रही है. और क्वालिटी में चैलेंज ये है कि आप हमारी क्वालिटी हमारे YouTube चैनल, दैट इज youtube.com/canvasclasses पे 250+ वीडियो लेक्चर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, 10th से लेके 12th क्लासेस के लिए हिंदी में स्पेसिफिकली डिजाइंड एक्सपर्ट कंटेंट है, जो कि बोर्ड, JEE और नीट तीनों के लिए डिजाइंड है. सो दैट इज ऑल. अब आपको कहीं भी चंडीगढ़, दिल्ली, कोटा जाने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कैनवस क्लासेस आइए, हमसे डिस्कस कीजिए आप बच्चे को क्या करवाना चाह रहे हैं, किस लेवल के एजुकेशन देना चाह रहे हैं, एंड वी एश्योर दैट वी हैव द कैपेबिलिटी टू डिलीवर द बेस्ट इन द कंट्री. के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट. शिवरात्रि महोत्सव की कुश्ती प्रतियोगिता कैशलेस होगी. इससे पूर्व देव समाज ने नोटबंदी का समर्थन करते हुए कैशलेस पेमेंट को स्वीकार किया तथा अब कुश्ती प्रतियोगिता में भी बड़ी नगद राशि का भुगतान नहीं होगा. शिवरात्रि महोत्सव की कुश्ती प्रतियोगिता में 6.25 लाख रुपए का बजट रखा गया है. शिवरात्रि महोत्सव की कुश्ती प्रतियोगिता में 6.25 लाख रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें से पहलवानों के लिए 4.5 लाख रुपए खर्च होंगे. कुश्ती प्रतियोगिता में ओपन माली, जिसमें देश भर के पहलवान हिस्सा लेंगे, के विजेता को 51,000 रुपए व गुर्ज और उपविजेता को 35,000 रुपए दिए जाएंगे. हिमाचल कुमार को, जिसकी आयु 28 फरवरी को 21 वर्ष से कम होनी चाहिए तथा हिमाचल का स्थायी निवासी होना जरूरी है, हिमाचल कुमार विजेता को 21,000 रुपए व गुर्ज उपविजेता को 15,000 रुपए नगद इनाम मिलेगा. इस बार मंडी कुमार प्रतियोगिता भी होगी, जो 18 साल से कम पहलवानों के लिए रखी गई है. इसमें केवल मंडी के ही पहलवान भाग ले सकेंगे. कुश्ती होने से पूर्व हिमाचल कुमार और मंडी कुमार प्रतियोगिता के लिए पहलवान को जन्मतिथि का प्रमाण पत्र तथा स्थायी प्रमाण पत्र पंचायत प्रधान से लाना होगा. प्रमाण पत्र न देने पर पहलवान को कुश्ती में मौका नहीं दिया जाएगा. शिवरात्रि महोत्सव में 12 मुकाबले ओपन तौर सीधी कुश्ती करवाई जाएगी, जिसमें 48,000 रुपए बजट रखा गया है. विजेता और उपविजेता को पारदर्शिता रखने के लिए कुश्ती संघ पेमेंट ड्राफ्ट या चेक से करेगा. शिवरात्रि महोत्सव में देश के बेहतरीन पहलवानों को आमंत्रित किया गया है. अखाड़े में बेहतरीन पहलवान आए, इसके लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल. देवभूमि हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं की महिमा देखते ही बनती है. बात चाहे प्रदेश के किसी भी देवस्थल की हो, अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध होने के साथ साथ इन देवी देवताओं के मंदिर आकर्षण का भी केंद्र है. उन्हीं में से एक अपनी अलौकिक शक्ति के साथ साथ स्वर्ग सी अनुभूति करवाती मंडी स्थित माता है भीमा काली, जिसका रूप रविवार को बाबा भूतनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग पर माखन के लेप के साथ उकेरा गया. तारा रात्रि से माखन के लेप से शिव के अलग अलग रूपों के श्रृंगार के क्रम को जारी रखते हुए रविवार को बाबा भूतनाथ मंदिर में शिवलिंग पर मंडी स्थित माता भीमा काली के रूप को माखन के लेप के साथ उकेरा गया.
माता भीमाकाली गौरी माँ का रूप है। कहते हैं कि सतयुग में जब हिमालय के देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को राक्षसों ने प्रताड़ित करना शुरू किया तो सबने गौरी माँ के पास जाकर आपबीती सुनाई और माँ से उनकी रक्षा करने का वचन दिया। इस दौरान माता को क्रोध आया और उन्होंने विराट रूप धारण कर उनकी रक्षा की, तभी से माता का नाम भीमाकाली पड़ा। बाबा भूतनाथ का श्रृंगार जो किया गया है तो माता भीमाकाली जी के रूप में किया गया है, जो सीएम साहब की मुख्यमंत्री जी की कुल देवी भी हैं। और मंडी के अंदर में एक दर्शन श्रद्धा और विश्वास का एक केंद्र माना जाता है माता जी को। भीमाकाली माता काली का उग्र रूप माना जाता है, जो कि राक्षसों के विनाश के लिए माता ने भीमाकाली का स्वरूप लिया था और राक्षसों का विनाश किया था। बाबा भूतनाथ मंदिर में शिवरात्रि महोत्सव तक प्रतिदिन इसी प्रकार से विशेष श्रृंगार किया जाएगा और शिवरात्रि से एक रात पहले श्रृंगार करने की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। इसके साथ ही उसी रात को ही शिवलिंग पर चढ़ाए गए माखन के लेप को भी निकाल दिया जाएगा और इसे सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए के चैनल के साथ। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर ना कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वक्त चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस। पिछले 10 वर्षों से अपने बेटे की मौत के लिए इंसाफ पाने को दर दर भटक रहे पेशे से फोटोग्राफर पिता अपना काम का छोड़ आरटीआई कार्यकर्ता ही बन गए हैं। आंखों में अपने बेटे की मौत का गम लिए हुए प्रेम सिंह का कहना है कि उसे इंसाफ पाने के लिए एक बिल्डर की हकीकत को उजागर करने में उन्हें कई परेशानियां झेलनी पड़ी। आरटीआई से मिली जानकारी से उनके बेटे की हुई मौत का खुलासा हैरान करने वाला है। सोलन के एक बिल्डर के साथ नगर परिषद द्वारा टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा मिली भगत से गैर कानूनी ढंग से नक्शा पास कर दिया गया। जिस बिल्डर की इमारत में बिजली का करंट लगने से प्रेम सिंह टंगड़िया के बेटे संजय कुमार की मौत हुई थी, उस इमारत के नगर परिषद द्वारा स्वीकृत नक्शे में कहीं कोई बिजली की तारें गुजरने का जिक्र नहीं है। लेकिन आरटीआई से प्राप्त सूचना में बिजली विभाग ने भवन निर्माता को भवन के ऊपर से गुजरने वाली 11 केवी हाई टेंशन तारों के नीचे भवन निर्माण किए जाने की बात दर्शाई गई है। आरटीआई कार्यकर्ता प्रेम सिंह टंगनिया का कहना है कि अब जब सभी तथ्य उनके पास मौजूद हैं, जिससे साफ है कि उनके बेटे की मौत बिजली की तारों से हुई है, जिसे बिल्डर ने मिली भगत से बाद में हटवा दिया और बताया कि वहां पर कोई तार मौजूद नहीं थी, जिसको लेकर उन्होंने मांग की है कि इस प्रकरण में शामिल सभी दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए, जिससे उनके बेटे की मौत को इंसाफ मिल सके। बता दें कि जिस इमारत के ऊपर बिजली की हाई टेंशन तारें गुजर रही हो, उस इमारत को एनओसी प्रदान नहीं की जा सकती है। चंडीगढ़ में बने एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह से बदलकर आरएसएस प्रचारक मंगल सेन के नाम पर रखा गया है, जिसको लेकर एसएफआई छात्र इकाई सोलन ने नाम बदलने के लिए आंदोलन छेड़ दिया है। आंदोलन को अंजाम देते हुए एसएफआई ने कॉलेज परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। सोलन डिग्री कॉलेज की एसएफआई इकाई के सचिव विकास ठाकुर ने बताया कि कॉलेज परिसर में एसएफआई ने यह हस्ताक्षर अभियान मांगों को पूरा करने के लिए चलाया है। एसएफआई ने मांग की है कि एयरपोर्ट का नाम बदलने के साथ ही सरकार से मांग की है कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए और 23 मार्च को शहीदी दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाए। एसएफआई ने आरोप लगाया कि प्रशासन व आरएसएस के मिली भगत के बाद इस हवाई अड्डे का नाम
आरएसएस के प्रचारक मंगलसेन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है, जो सरासर गलत है। कुछ प्रगतिशील लोगों ने इस निर्णय का जमकर विरोध किया, जिसके बाद सरकार ने मजबूरन मंगलसेन से इसका नाम बदलकर चंडीगढ़ हवाई अड्डा रखा गया। छात्र इकाई की मांग है कि इसका नाम भगत सिंह रखा जाए। उनकी यह भी मांग है कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के पूरी जीवनी को स्कूलों की किताबों के अंदर पढ़ाया जाए। एसएफआई ने चेताया कि अगर जल्द से जल्द भगत सिंह से जुड़ी मांगों को पूरा न किया गया तो आगामी 21 मार्च को चंडीगढ़ में इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ रैली व धरना प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग में अजीबोगरीब नियमों से की जा रही भर्ती पर विवाद खड़ा होने के बाद आखिरकार सरकार जाग गई है। राज्य सरकार ने निर्धारित इंटरव्यू रोककर माली की भर्ती को नए नियम बना दिए हैं। नए नियमों में अब 8वीं पढ़े लिखे लोग उद्योग विभाग में माली बन पाएंगे। इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता के कोई अलग नंबर नहीं होंगे। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले एमए पढ़े लिखे लोगों को खास तरजीह दी जा रही थी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उद्योग महकमा नियम नहीं बनाए जाने की बात कर रहा था। 5 महीने पहले हिमाचल सरकार के उद्योग विभाग में कम पढ़े लिखे बेरोजगारों के साथ एक भद्दा मजाक हो रहा था। माली की नौकरी के लिए प्राइमरी पास से आवेदन मांगे जा रहे थे, जबकि नंबर एमए और एमएससी के भी जोड़े जा रहे थे। 10वीं पास को 5, हायर सेकेंडरी पास को 10, बीए पास को 20 और एमए पास को 40 अंक दिए जा रहे थे। उद्योग विभाग की सेरिकल्चर विंग में 30 पेदार मालियों की भर्ती की जानी थी। इसके लिए प्रत्येक उम्मीदवार से 200-200 रुपए के हिसाब से फीस भी जुटाई जा रही थी। 3000 से अधिक आवेदन आ चुके थे। इनमें प्राइमरी, मिडिल पास से लेकर एमए पढ़े लिखे उम्मीदवारों के आवेदन भी शामिल थे। उस समय सेरिकल्चर विंग में माली के 30 पदों को भरने के लिए ये परीक्षा हो रही थी। अब पूरे उद्योग विभाग में माली और बेलदार के कुल 132 पदों को भरा जाएगा। सोलन के साथ लगती ग्राम पंचायत आंजी में पिछले 3 दिनों से तेंदुए की दस्तक से ग्रामवासी खौफ के साए में जी रहे हैं। तेंदुए ने 3 दिनों में लगभग 5 पालतू जानवरों को अपना शिकार बनाया है। इन गांव में तेंदुए दिन दोपहर बेखौफ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने तेंदुए को दिन में भी इधर उधर घूमते पाया है, जिस कारण लोगों के दिलों में खौफ बना हुआ है। लोगों के दिलों में तेंदुए का डर इस कदर बैठा हुआ है कि वे अपने घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। यह तेंदुआ इन दिनों ग्रामीणों के साथ साथ पालतू पशुओं के लिए भी खतरा बना हुआ है। इसके खौफ से बच्चों का घर से बाहर खेलना भी दुश्वार हो गया है। तेंदुओं ने सबसे पहले शराणु गाँव में घर के बाहर से जर्मन शेफर्ड कुत्ते को अपना शिकार बनाया। वहीं सेरी गाँव में बाद दोपहर को तेंदुए ने अन्य 2 कुत्तों को मौत के घाट उतार दिया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन व वन विभाग से जल्द इस तेंदुए को पकड़ने की मांग की है, ताकि कहीं जानवरों के साथ साथ इंसान भी तेंदुए की खुराक न बन जाए। शिवरात्रि महोत्सव की कुश्ती प्रतियोगिता कैशलेस होगी। इससे पूर्व देव समाज ने नोटबंदी का समर्थन करते हुए कैशलेस पेमेंट को स्वीकार किया तथा अब कुश्ती प्रतियोगिता में भी बड़ी नगद राशि का भुगतान नहीं होगा। शिवरात्रि महोत्सव की कुश्ती प्रतियोगिता में 6.25 लाख रुपए का बजट रखा गया है। शिवरात्रि महोत्सव की कुश्ती प्रतियोगिता में 6.25 लाख रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें से पहलवानों के लिए 4.5 लाख रुपए खर्च होंगे। कुश्ती प्रतियोगिता में ओपन माली, जिसमें देश भर के पहलवान हिस्सा लेंगे, के विजेता को 51,000 रुपए व गुर्ज और उपविजेता को 35,000 रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल कुमार को, जिसकी आयु 28 फरवरी को 21 वर्ष से कम होनी चाहिए तथा हिमाचल का स्थायी निवासी होना जरूरी है। हिमाचल कुमार विजेता को 21,000 रुपए व गुर्ज उपविजेता को 15,000 रुपए नगद इनाम मिलेगा। इस बार मंडी कुमार प्रतियोगिता भी होगी, जो 18 साल से कम पहलवानों के लिए रखी गई है। इसमें केवल मंडी के ही पहलवान भाग ले सकेंगे। कुश्ती होने से पूर्व हिमाचल कुमार और मंडी कुमार प्रतियोगिता के लिए पहलवान को जन्मतिथि का प्रमाण पत्र तथा स्थायी प्रमाण पत्र पंचायत प्रधान से लाना होगा। प्रमाण पत्र न देने पर पहलवान को कुश्ती में मौका नहीं दिया जाएगा। शिवरात्रि महोत्सव में 12 मुकाबले ओपन तौर सीधी कुश्ती करवाई जाएगी, जिसमें 48,000 रुपए बजट रखा गया है। विजेता और उपविजेता को पारदर्शिता रखने के लिए कुश्ती संघ पेमेंट ड्राफ्ट या चेक से करेगा। शिवरात्रि महोत्सव में देश के बेहतरीन पहलवानों को आमंत्रित किया गया है। अखाड़े में बेहतरीन पहलवान आए, इसके लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।